अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी हेल्पर डॉट कॉम में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टीज़र फास्ट डॉट आर यू वेबसाइट के बारे में बात करने वाले हैं। नंबर वन, तो सबसे ज़्यादा लोगों को मसला इस वेबसाइट में ये आ रहा है कि एक तो उनका अकाउंट नहीं बन रहा, और क्या ये वेबसाइट रियल है या फेक, इस मतलब बात करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर, बहुत सारी ऑनलाइन अर्निंग की वेबसाइट्स मार्केट में आती भी रहती हैं, और ज़्यादातर तो फेक ही होती हैं, लेकिन हम इसका भी रिव्यू कर लेते हैं कि टीज़र फास्ट डॉट आर यू। आपने कंप्लीट ये लिखेंगे तो तभी ये वेबसाइट आपके सामने शो होगी। अभी यहाँ पर हमारे सामने ये ओपन हो चुकी है, रशियन ये वेबसाइट है, तो आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है। यहाँ पर आपने ट्रांसलेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और ये इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको मोबाइल करके दे देगा। इस तरह आपके सामने पॉपअप शो होगा। अब बात करते हैं कि क्या इससे हम अर्निंग कर सकते हैं, क्या ये वेबसाइट रियल है या फेक, क्या हमें कोई फ़ायदा भी देने वाली है या नहीं। एक तो पहली बात कि जब भी आप यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और अकाउंट बनाने के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल और कैप्चा टाइप करके आपने जैसे ही रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट नहीं बनेगा। आप जितनी बार भी कर लें, ये कहेंगे कि आप VPN लगाकर अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहली बात इस एप्लीकेशन में ये है, इसका कोई हाल भी नहीं है दोस्तों। और जनरली अगर रियल बात की जाए तो ये वेबसाइट फेक है, कोई आपको फ़ायदा नहीं देने वाली। और जो यहाँ पर कह रहे हैं कि वीडियोस देखकर या ये देखकर वो देखकर आप अर्निंग कर सकते हैं, ये सब झूठ है। ये सिर्फ आप लोगों को धोखा दिया जा रहा है। टाइम वेस्ट ना करें इस वेबसाइट पर, ना ही पहली तो बात है अकाउंट भी नहीं बन रहा। आप चाहे मोबाइल से बनाएं, आपको अदर नेटवर्क भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मैं फेसबुक के ज़रिए एक बार कोशिश कर लेता हूँ, तो फेसबुक के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो हमें पता चल जाएगा क्या फेसबुक को ये एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो ये देख लें कि फेसबुक को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी अगर आप अपने फेसबुक से डायरेक्ट अकाउंट बनाते हैं तो इससे आपका फेसबुक अकाउंट को भी मसला हो सकता है। ये चीज़ आपने लाजमी मद्देनजर रखनी है। बाकी इसमें कोई भी हाल नहीं है कि आप VK या इसके अलावा तीन तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अकाउंट बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मेरी सजेशन यही है कि आप इस वेबसाइट पर काम ना कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।